सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हर शिव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है। लेकिन बात अगर करें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, तो महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जी हाँ, हर रोज महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। हर श्रद्धालु बाबा को एक बार निहारना चाहता है, एक बार अपनी मन्नत उनके सामने कहना चाहता है। ऐसे में महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु रोज बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने के कारण समय समय पर दर्शन व्यवस्था बदली भी जा रही है। जी हाँ, महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को कम समय में अच्छे दर्शन हो सके, इसलिए मंदिर के दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे अब श्रद्धालु नंदी हॉल के रैंप के स्थान पर नवग्रह मंदिर के सामने से होकर कार्तिक मंडप में पहुंच रहे हैं और यहां से गणेश मंडप में बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर संदीप कुमार सोनी ने बताया कि शुक्रवार शाम से दर्शनार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य दर्शनार्थियों के मार्ग में परिवर्तन किया है। दर्शनार्थी श्री महाकाल महालोक से प्रवेश कर फैसिलिटी सेंटर से होते हुए नवग्रह मंदिर के सामने से होते हुए कार्तिक मंडप से गणेश मंडप के बैरिगेट से दर्शन कर निर्गम रैंप से मंदिर परिसर से होते हुए निर्गम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शुक्रवार से ही श्रद्धालुओं हेतु मंदिर परिसर पुनः प्रारंभ कर दिया गया, जिसे श्रद्धालु मंदिर परिसर स्थित मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रावण मास में महाकाल मंदिर में विशेष तैयारियां चल रही हैं। अब तक श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के घूमने पर रोक लगी हुई थी, जिसे अब हटा दिया गया है और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। मंदिर में आकर्षक सजावट के साथ साथ शिखर भी रंग बिरंगे लाइटों से सजाए गए हैं, जिससे कि शाम होते ही रोशनी से महाकाल मंदिर जगमगा जाता है। आपको बता दें कि श्रावण के महीने में बाबा महाकाल उज्जैन के लोगों को दर्शन देने बाहर निकलते हैं और महाकाल बाबा की यात्रा बेहद ही भव्य होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।